हम जब शिकायत करते हैं ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि हम जिंदा दिल रहते नहीं हैं, जिम्मेवारी टाल देते हैं। और यदि गहराई से आप देखते हैं तो वहां होता क्या है कि वहां आप कुछ ना कुछ एक डर आपको जो है वहां से भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ डर होता है। देखो हम कहीं शिकायत करते तो कुछ ना कुछ डर है ना, फिर शिकायत क्यों करेंगे, उसका सामना करेंगे। यदि सामने वाले का मुझे डर लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, सामने कुछ बोलूंगा नहीं, पीछे से कुछ ना कुछ बोलूंगा और शिकायत करूंगा उसके बारे में। तो फिर डर क्या है वो हमको देखना पड़ेगा। देखो कोई व्यक्ति एकादा छुरा लेके मेरे आंग पे आ गया और मार रहा है तो फिर मैं समझ सकता हूं कि डर लगेगा, मगर कोई व्यक्ति तो छुरा लेके नहीं आ रहा है तो फिर डर काहे का है। तो डर यह है कि मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरा जो सर्वाइवल है, मेरा जो जीना है वो खतरे में आ सकता है। और मेरा जीना मतलब एक्चुअली लिविंग नहीं, बॉडी नहीं, मतलब कोई मरने वाला नहीं हूं मैं, मेरा ईगो, मेरा अहम, उसको ठेस पहुंच सकती है, वो खतरे में आ सकता है, वो मर जाएगा। इसलिए फिर मैं पहले से लोगों के ऊपर हावी होना शुरू कर देता हूँ, लोगों के ऊपर कंप्लेन करना शुरू देता हूँ। देखो कोई चार लोग बैठे हैं, कोई मेरे ऊपर जोक मारेंगे और हंसेंगे, उसके पहले मैंने क्या करना है, मैंने जोक मारना चालू करना है, हंसना करना है लोगों के ऊपर, ताकि मेरे ऊपर कोई ना आए। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने ऊपर आने के पहले अपन ही चालू कर देते हैं, लोगों को मजाक करना, हंसी मजाक किसी करना, उसको नीचा बताना, क्योंकि लोग अपने ऊपर ना आए। तो ये मैकेनिज्म है वो, कि पहले से ही करना है। देखो सिंपल है कि आप हाईवे से जा रहे हो, हाईवे से आपकी कार लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है, लेफ्ट साइड से जा रही है बराबर, सामने से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। अब सामने से जो ट्रक आ रहा है उसने उसकी लेफ्ट साइड लेना चाहिए, उसने लेफ्ट साइड से ट्रक चलाना चाहिए। अभी समझो वो भी उसके राइट साइड से आ रहा है और वैसे आते रहा तो होगा कि अपना हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। मैं बोलूँगा नहीं मैं सही हूँ, मैं क्यों बाजू हटूँ, मैं बराबर लेफ्ट साइड में हूँ, मैं तो बिल्कुल कोई भी हालत में बाजू नहीं हटूंगा, मेरा सही है। ऐसा आप पकड़ के बैठेंगे तो होगा क्या, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी कार छोटी है वो ट्रक बड़ा है, आप मर जाएंगे। लाइफ में देखो ऐसे हो रहा है, यदि आप ये बोल के बैठेंगे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं क्यों पीछे हो जाऊँ दो कदम, मैंने क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, अरे भाई जाने दो, जिंदगी आपकी है, सामने वाले को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। आपको यदि आपका पीठ का दर्द, पेट का दर्द, हाथ पैर का दर्द, माइग्रेन, हेडेक, बीपी, डायबिटीज, ये सब बीमारियां, और वैसे ही दिमाग की बीमारियां मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब कम करना है और एक बहुत ही मस्त जिंदा दिल रहने का है, तो आज से आपने कुछ भी करना नहीं, कंप्लेन करना बंद करना है, एक्शन लेना चालू करना है। जहां जहां एक्शन लेंगे वहां वहां आपको यश मिलता जाएगा। देखो ऐसा होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कंप्लेन क्यों करता हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ अप्रामाणिकता है मेरे दिमाग में, कुछ ना कुछ अप्रामाणिकता है, कुछ ना कुछ मैं छिपा रहा हूँ, कृति नहीं कर रहा हूँ मतलब कुछ ना कुछ छिपा रहा हूँ, कृति नहीं कर रहा हूँ मतलब कुछ ना कुछ सामने नहीं ला रहा हूँ, कुछ तो भी तो है। ये तो आदमी तो सफल होने के लिए मरमर करता है, और फिर आप कुछ नहीं कर रहे इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे, आपको एक्शन लेने की नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि मैं छोटा हूं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आज से क्या करना है कि एक्शन लेने हैं, कुछ नहीं होने वाला आपको, कुछ आप मरने वाले नहीं हो, जहां भी जो भी एक्शन ले सकते हो एक्शन लो। सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया एक्शन जो लेनी है वो ये है कि मैं सही हूं और वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूं वो राइट है वो रॉन्ग है, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है वो असत्य है, मैं जो बोल रहा हूँ वही खरा है, वही एक में वो पॉइंट है देखने का, वही एक नज़रिया है, वो छोड़ना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बन जाएगी, आपके जीवन में आपको बहुत मन शांति मिलेंगी, खुलकर जिएंगे, शक्तिमान शक्तिशाली होकर आप जिएंगे। थैंक यू वेरी मच।